जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इस मुद्दे पर तो सरकार के सहयोगी भी सरकार के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं और खासकर बिहार में ऐसा देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार लगातार पीएम मोदी से देश में जातिवार जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं और जब यह सवाल संसद में उठा तो क्या जवाब दिया सरकार ने, देखिए रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है जिसका आज दूसरा दिन था और संसद में एक बार फिर से जातिगत जनगणना का सवाल उठा। संसद के दूसरे दिन लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया, जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि फिलहाल सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें वो जातिवार जनगणना करा रही हो। पहले की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना कराई जाएगी, पुराने प्रारूप में विशेष बदलाव नहीं किए जाएंगे। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से जातिवार जनगणना की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार इस मामले में इन नेताओं के साथ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2021 की जनगणना करने की सरकार की मंशा 28 मार्च 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित हो गई थी जिसमें जातिवार जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव नहीं है। हालांकि कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया। जातिगत जनगणना का मामला सबसे ज्यादा बिहार में गरमाया हुआ है। बिहार में एक दूसरे की राजनीतिक विरोधी जेडीयू और आरजेडी पहली बार किसी मुद्दे पर एकमत है। अगस्त में तेजस्वी यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत गणना कराए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी, लेकिन सरकार जातिवार गणना की पक्षधर नहीं है। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जातिवार गणना की मांग की थी, लेकिन सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।